हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विवेक पानकड़े एंड वी आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स एट इकोनॉमिक्स क्लासरूम्स टाइप। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में मनी को देख लिया था। उसके बाद लास्ट क्लास वी सॉ कॉमर्शियल बैंक्स एंड इट्स फंक्शन। तो कॉमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस को देखने के बाद अब हम ये समझ गए हैं कि जो बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है, ये बार बार मैं कॉमर्शियल बैंक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल बैंक भी आया, इसीलिए कॉमर्शियल नाम यूज करना जरूरी है। सो कॉमर्शियल बैंक मतलब जो हम लोगों की ब्रांच बैंक है, हम लोगों की हाउसहोल्ड्स की बैंक है, जो हमारे सिटीजन्स को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, उनके डिपॉजिट्स रखने के लिए, उनको लोन देने के लिए काम आती है। तो कॉमर्शियल बैंक और उसके फंक्शन आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इजी है समझने के लिए, लेकिन यदि इसमें कुछ भी कंफ्यूजन रहा तो यही वो टॉपिक है जो आपके मार्क्स डुबा देते हैं। यही वो टॉपिक है जिसको समझने में यदि आपने कहीं भी थोड़ी सी भी गलती की तो फिर आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू मेक अ मेस आउट ऑफ इट एंड बट दिस इज यस वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। ठीक है, तो शांति से सुनना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। इफ आई एम सेइंग समथिंग आप बीच बीच में लिखते रहो तो दैट विल मेक यू नोट्स। बाय द टाइम आपका वीडियो खत्म होगा नोट्स भी बन जाएंगे एंड दैट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग द टॉपिक। ओके, सो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट लेता है और लोन दे देता है, पैसा लेता है, पैसा देता है, दैट्स इट। हमको ये पता है कि थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करता है लोन देने के लिए और वही इंटरेस्ट में से थोड़ा इंटरेस्ट वो पे कर देता है जिन्होंने हमारे पास पैसा रखा है, मतलब बैंक के पास। ओके, सो बैंक ने जो पैसा दिया था उस पे एक्स्ट्रा लोन चार्ज किया। सिर्फ इतना ही प्रोसेस नहीं है, इतने से ही पूरे देश की इकोनॉमी नहीं चलती। बैंक एक जबरदस्त काम करता है मनी क्रिएशन का, जो आज का हमारा टॉपिक है। सो दिस मनी क्रिएशन और वी कैन ऑल्सो कॉल इट क्रेडिट क्रिएशन, ये बैंक का वो काम है जिससे पूरी इकोनॉमी गाइड होती है, जिससे पूरी देश की फाइनेंशियल स्थिति जो है या फाइनेंशियल कैलकुलेशन, इवन नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज मनी क्रिएशन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना भी बहुत जरूरी है और बहुत ईजी है, एक बार में समझ आ जाएगा। लेकिन यदि ना भी समझ आए तो आप रिवाइंड करके वीडियो को पॉज करो, पीछे जाके वापस एक बार देखो, आपको समझ आएगा। सो व्हाट इज मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन? अब मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन मैं आपको शुरू से सिखा रहा हूं कि नाम से याद रखो, नाम से ही समझ आ रहा है। मनी क्रिएशन यानी कि मनी को क्रिएट किया जा रहा है। अब कोई जादू तो है नहीं कि भाई ऐसा किया और इतने 1 करोड़ रुपए आ गए। मनी क्रिएशन डज नॉट मीन दैट, या फिर कोई पैसे छापने की मशीन की भाई मनी क्रिएट करना है तो पैसे छाप लिए, those kind of money creations are not, वो production वो नहीं, वो printing money का वो नहीं कह रहे। commercial bank उसी पैसे से पैसा create कर लेता है। उसी पैसे से पैसा create कैसे करता है? तो वो उस पैसे को market में rotate करता है। market में जब rotate करता है तो वो पैसा एक के पास जाता है, एक बंदा उस पैसे को अपने production में लगाता है, फिर मतलब वो किसी और के पास गया, फिर वो किसी और के पास गया, फिर वापस से वो उसने भी अपना काम किया, मतलब ये chain चलती है। तो मनी क्रिएशन ऐसा होता है। अब देखो क्या है, बाय दिस प्रोसेस, मतलब कौन सी प्रोसेस? मनी क्रिएशन। बाय दिस प्रोसेस ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स, सभी कॉमर्शियल बैंक्स, दे क्रिएट क्रेडिट, वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं इन फार एक्सेस देन इनिशियल डिपॉजिट। जो इनिशियली पैसा डिपॉजिट किया गया है ना, उस पैसे के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्सेस में क्रेडिट क्रिएट हो जाता है। मतलब मैंने 1 रुपया जमा किया और क्रेडिट मुझे मिल गया 5 रुपए का, यानी कि आई हैव पेड 1 रुपीज इन अ बैंक बट आई कैन परचेज मटेरियल ऑफ 5 रुपीज। ये है एक्सेस, कि जो भी इनिशियल डिपॉजिट किया गया था उस इनिशियल डिपॉजिट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सेस में क्रेडिट क्रिएट करने का काम बैंक करता है। ओके, फाइन। नाउ ये पॉसिबल तो है, लेकिन कब? जब ये एजम्पशंस ध्यान में, assumptions ध्यान रखें। तो money creation के या money multiplier भी topic को कहा जाता है, तो इसके assumptions क्या assumptions हैं? कि all banks are one, यानी कि एक single unit है। ऐसा नहीं है कि उस bank में गया था, मेरे bank में थोड़ी आया, मेरे bank से गया था, अरे उसका bank तो अलग है। अलग नहीं है, सारे banking system के जितने भी units हैं, जितने भी banks हैं, उन सभी को single unit consider किया है। यानी कि
किसी भी बैंक में पैसा गया तो मतलब वो बैंकिंग सिस्टम में गया। जैसे कि याद करो हमने लास्ट वाली वीडियो में यहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में कॉमर्शियल बैंक बनाया था। अब वो जो कॉमर्शियल बैंक है जिनको हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कह रहे थे, वो कॉमर्शियल बैंक कोई एक थोड़ी था, वो तो सारे थे, तो उनको एक ही कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पंजाब नेशनल बैंक में पैसा जमा किया तो इस क्वेश्चन में काउंट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी बैंक में आपने पैसा जमा किया है तो वो एक ही सिस्टम में गया है, ये कंसिडर किया। तो ऑल बैंक्स आर वन सिंगल यूनिट, देन ऑल ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू द बैंक्स। ये इजीएस्ट वे में याद रखने का, जितने भी ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो डिपॉजिट हो, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो होगा बैंक के थ्रू ही। यानी कि यदि मैंने किसी से लोन लिया है तो वो लोन भी बैंक के थ्रू आएगा, मैं उसे खर्च करूंगा तो वो एक्सपेंडिचर भी मेरा बैंक के थ्रू ही होगा। सो ये सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं और सभी बैंक्स एक हैं, इन दो एजम्पशंस को कंसिडर करके चलना है। इससे क्या फायदा है, सारे बैंक्स एक हैं, इससे ये फायदा है कि किसी भी बैंक में पैसा जाए वो बैंकिंग सिस्टम में तो आ ही रहा। सेकेंड चीज, जो ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू नहीं होते वो लीक हो जाते हैं, लीकेज पड़ा था हमने नेशनल इनकम में, सो वो लीकेज यहाँ पे हमको नहीं कंसिडर करते। हम सोच रहे हैं कि कुछ लीकेज है ही नहीं, सारा पैसा इकोनॉमी में आ रहा है और वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, विच इज आइडियल थिंग टू बी डन। ये जो अभी इतने सारे गरीब लोगों के जीरो बैलेंस अकाउंट्स बनाए गए, वो सारे अकाउंट्स इसीलिए बनाए गए, वो पैसा चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। चाहे आपके पास 100 रुपए भी हो, वो 100 रुपए भी बैंक के पास है तो उससे क्या बड़ा बेनिफिट होता है, आप अभी देखिए मैं आपको बता दूं कि क्यों वो पैसा बैंक में पड़ा रहना जरूरी है। आपके घर में पड़े रहने से इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होगा और आपको भी फायदा नहीं होगा। इफ दैट मनी इज लाइंग विथ यू देन इट वोंट हेल्प, इट वोंट ग्रो। वो 100 का नोट कोई 110 का नहीं हो जाएगा, बट देन इफ यू कीप इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन अ बैंक, वो 100 रुपीज का नोट डेफिनेटली 110 रुपीज का हो ही जाएगा। सो ये जो चीज है इसीलिए वो बैंक में पैसा होना जरूरी है। ओके, सो ऑल ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू बैंक। नाउ व्हाट इज द रूल वी फॉलो फॉर अ मनी मल्टीप्लायर? नाउ द रूल इज कि बैंक्स कैन नॉट यूज ऑल द डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग। जितना भी डिपॉजिट आया है उस पूरे के पूरे डिपॉजिट को लोन में कन्वर्ट नहीं करना है। ये बैंक के लिए एक रूल है कि वेन एवर अ बैंक अर्न्स एनी डिपॉजिट, दैट डिपॉजिट शुड नॉट बी used for lending, so complete lending में उसको यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है complete lending में यूज, बताते हैं अभी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैंक, सो मेरे पास 10,000 रुपीज आए, मेरे पास क्या है 10,000 रुपीज का डिपॉजिट आया, और फिर एक और बंदा आ गया और उसने कहा कि 10,000 रुपीज मुझे दे, और मैंने वो उठा के उसको दे दी। अब जो पहला वाला बंदा आया था जिसने 10,000 रुपीज मेरे पास दिए थे, उसको कुछ जरूरत पड़ी, उसने कहा जरा 500 रुपीज 1,000 रुपीज कुछ निकालना है क्योंकि मुझे कुछ पेमेंट कर। अब कहां से मिले, अब तो नहीं मिल सकता क्योंकि 10,000 तो उसको दे दिया, तो फिर कहां से देंगे। इसीलिए पूरे देश में जो लोग हैं जो पैसा डिपॉजिट करते हैं वो सारा पैसा यूजलेस नहीं है उनके लिए, उनको उसकी रिक्वायरमेंट है, कुछ अमाउंट उनको जरूरत पड़ेगी, तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट उनको जरूरत पड़ेगी वो वाला पर्टिकुलर अमाउंट थोड़ा बैंक के पास होना जरूरी है। यदि बैंक के पास वो नहीं होगा तो फिर आप एटीएम से जाके पैसे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो आपका पैसे तो किसी और ने लोन पे ले लिया, अब जब तक वो रिपे नहीं करेगा आपको कैसे मिलेगा। इस चीज से बचने के लिए ये एक रूल बैंकिंग सिस्टम ने बना के रखा है कि दे आर नॉट गोइंग टू यूज द एंटायर डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग, वो पूरे के पूरे डिपॉजिट को लेंडिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक, बट यस जब भी ये सिस्टम बन रहा होगा उस टाइम पे बहुत अच्छे से सोचा गया, अभी तो ये बड़ा कॉमन सा है लेकिन ये बहुत अच्छी चीज सोची गई है। और इसी चीज से रिलेटेड एक चीज और जो हमारे भोलू भाई हमको बता रहे, दैट ऑल डू नॉट विथड्रॉ। ये इनको क्या है कि भाई कुछ ही अमाउंट क्यों रखें, पूरा अमाउंट क्यों ना रख लें, भाई पूरा रिजर्व क्यों ना रखें। इसलिए ना रखें क्योंकि सभी लोग तो विथड्रॉ करेंगे नहीं एट ए टाइम, हर किसी को पैसे की जरूरत। जैसे मान लो मैं एटीएम जा रहा हूं तो काफी सारे और लोग नहीं जा रहे, या फिर कोई और जा रहा है तो मैं नहीं जा रहा, मैं तो काफी काफी दिनों तो जैसे पैसा निकालता ही नहीं बैंक से, तो मुझे शायद जरूरत नहीं है, ऐसे किसी और को शायद बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती है। तो ऑल डू नॉट विड्रॉ फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग जो भी निकालने जा रहा है वो पूरा पैसा नहीं निकाल रहा, वो कुछ अमाउंट निकाल रहा है। सपोज इफ माई सैलरी इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, उस सैलरी को पूरा थोड़ी विड्रॉ करूंगा मैं कभी,
So I will withdraw a certain amount of it. I will not withdraw the entire money. I may withdraw, but not everybody will withdraw all the amount. So हर कोई पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं करने वाला और ना ही सारे के सारे विड्रॉ करने वाले, मतलब कुछ लोग कुछ अमाउंट विड्रॉ, बाकी का अमाउंट बैंक के पास रहेगा. सो विद देयर एक्सपीरियंस दे हैव अंडरस्टूड कि भाई कितना पैसा रैंडमली हमारे पास होना चाहिए. ओके, सो देन दैट देन न्यू डिपॉजिट्स कीप कमिंग. एक और चीज, एक तो सारे लोग सारे पैसे निकालते नहीं, दूसरा नए डिपॉजिट आते जाते, मतलब बैंक के पास जो पैसे का फ्लो है वो बना रहता है. तो बैंक के पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पैसा होता है. ओके, सो दिस इज दिस कि बैंक्स कैन नॉट यूज ऑल द डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग. सारा पैसा तो लोन पे देने के लिए यूज नहीं कर सकते. देन जो पैसा बैंक अपने पास रिजर्व में रख लेता है, उस पैसे को कहा जाता है लीगल रिजर्व रेशियो, या लीगल रिजर्व आप बोल दो उसको, और जो जिस रेट पे वो रखा जाता है दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो. तो क्या होता है कि इफ आई हैव पेड 100 रुपीज टू द बैंक, बैंक विल गिव 80 रुपीज ऑन लोन. यदि 20% LRR का रेट है, जो कि कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक. सो LRR इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक कि भाई कितना रिजर्व बैंक को अपने पास रखना है. सो ये जो सेंट्रल बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक है RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो डिसाइड करता है कि हमारे बैंक का LRR कितना होगा, कितना पैसा उनको अपने पास रखना है. इस LRR का फर्दर ब्रेकअप है CRR और SLR में, सो वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप तो LRR ध्यान रखो. ओके, सो जो LRR है वो किसने डिसाइड किया, LRR डिसाइड किया RBI, सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक ने कहा कि भैया इतना पैसा जो है बैंक को अपने पास रखना है, और ये रिजर्व में रख के बाकी का पैसा आप लोन पे दे सकते हो. सो बाकी का पैसा जो आप लोन पे दे रहे हो, कौन दे रहा है लोन पे, बैंक. तो बाकी का पैसा जो लोन पे दिया जाएगा वो पैसा जाएगा बैंक के थ्रू. ये हमने पहले अज्यूम कर रखा है कि ऑल द ट्रांजेक्शंस आर डन थ्रू बैंक, और किसी भी बैंक से में जाए पैसा ऑल बैंक्स आर वन. तो दोनों एजम्पशन हमने कर लिए, इसीलिए इन एजम्पशंस की जरूरत है. सो LRR वो रिजर्व होता है जो बैंक अपने पास मेंटेन करता है. पूरा का पूरा डिपॉजिट रिजर्व भी नहीं करता, पूरा का पूरा डिपॉजिट लोन में भी नहीं देता. पूरा का पूरा लोन में क्यों नहीं देता, क्योंकि यदि कोई विड्रॉ करने आएगा तो फिर उसको क्या देगा. और पूरा का पूरा पैसा रिजर्व में क्यों नहीं रखता, क्योंकि फिर इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी और आगे के जो भी प्रोडक्शन वगैरह की एक्टिविटीज है वो कैसे होंगी. सो वो दोनों चीजों की वजह से थोड़ा अमाउंट विथ वॉट एवर द एक्सपीरियंस दे हैव गेन्ड इन सो मेनी इयर्स, RBI सेंट्रल बैंक कॉमनली डिसाइड्स कि भाई इतना परसेंटेज पैसा बैंक को अपने पास रखना. अब फॉर एग्जाम्पल बैंक कोई चाहता है कि मैं ज्यादा पैसा थोड़ा रखूं, तो वो बैंक फ्री है रखने के लिए. ओके, लेकिन मिनिमम इतना तो रखना ही रखना जो सेंट्रल बैंक ने कहा. बाकी आपको मैंने कल सिखाया था कि बैंक इज फॉर प्रॉफिट. तो यदि किसी बैंक को लगता है कि पैसा मेरे पास रखने में मेरा ज्यादा प्रॉफिट है खुद रिजर्व करने में, तो बैंक रख सकता है, इट्स फ्री टू डू दैट. ओके, बट देन ये बाय कंपल्शन है, ये बाय लॉ है कि भाई इतना पैसा तो आपको मिनिमम रिजर्व रखना है. अब ये पैसा किसके कंपैरिजन में रिजर्व में रखेंगे, तो ये रिलेट करेगा इनिशियल डिपॉजिट्स, मतलब जो पैसा डिपॉजिट हुआ है, फ्रेश पैसा जो बैंक में आया है उस बैंक का डिपॉजिट. ओके, सो ये जो डिपॉजिट है ना, ये डिपॉजिट सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार 1000 आ गए तो, क्योंकि देखो 1000 आए तो बैंक ने कुछ पैसे अपने पास रिजर्व करे, बाकी के लोन दिए. अब जो लोन दिया ना वो एक्चुअली में लोन दिया नहीं है, जो लोन दिया है वो एक्चुअली में दिया नहीं है. ये एक सिंगल लाइन से ये पूरा टॉपिक क्लियर होता है. पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ये समझते. ये देखिए मनी मल्टीप्लायर, थोड़ा सा जूम कर दिया हल्का सा ताकि क्लैरिटी से समझ में. अब देखो ये क्या है, यहां पे जब हम बात करते हैं मनी मल्टीप्लायर की, तो मनी मल्टीप्लायर क्या है कि कितना टाइम्स बैंक मनी को मल्टीप्लाई कर सकता है. वर्ड से या जो नाम है उसी से ध्यान रखना है कि कितना टाइम्स मनी अपने आप को बैंक मनी को मल्टीप्लाई कर सकता है. तो ये डिपेंड करता है कि वो क्या है, कैसे समझते हैं. बट मनी मल्टीप्लाई मतलब क्या, जो चीज मनी को मल्टीप्लाई, ठीक. सो जो चीज मनी को मल्टीप्लाई कर रही है वो मनी मल्टीप्लाई. Process of it is a money multiplier
इट रेफर्स टू अ प्रोसेस. मुझे मैंने आपको बताया था कि मैं डेफिनेशन ऐसी क्यों लिखता हूँ, बिकॉज वेन यू राइट इन नोट्स यू शुड राइट इट शॉर्ट एंड द मेन वर्ड्स की वर्ड्स, सो दैट वो की वर्ड्स की वजह से आप डेफिनेशन को इजिली याद करें. ओके, सो दैट इज दैट प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को क्रिएट करने का प्रोसेस बाय कॉमर्शियल बैंक्स. इसके कौन कर रहे हैं? कॉमर्शियल बैंक्स विथ हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स एंड LRR. इनिशियल डिपॉजिट और LRR की हेल्प से लीगल रिजर्व रेशियो. सो LRR और इनिशियल डिपॉजिट की मदद से बैंक जो पैसा क्रिएट करता है मार्केट में वो इज रेफर्ड बाय मनी मल्टीप्लायर. तो कितना क्रिएट करेगा वो मनी मल्टीप्लायर बताता है. फॉर एग्जाम्पल, ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR. यदि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आती है 5, तो 5 टाइम्स पैसा क्रिएट होगा. यदि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आती है 10, तो 10 टाइम्स पैसा क्रिएट होगा. यदि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आती है 2, तो फिर 2 टाइम्स पैसा क्रिएट होगा. यानी कि जो भी वैल्यू मनी मल्टीप्लायर की आएगी उतने टाइम्स मार्केट में पैसा क्रिएट होगा. और वो जो मैं कह रहा हूं कि उतने टाइम्स, वो टाइम्स क्या है? टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट. जो भी इनिशियल डिपॉजिट हुआ है उसके उतना टाइम्स. फिर तो ये समझ में आ गया कि उतना पैसा मार्केट में क्रिएट हुआ. सो दिस इज व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर. अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके प्रोसेस का भी, कि ये मनी मल्टीप्लायर का वर्किंग क्या है या इसका प्रोसेस क्या है. तो वर्किंग के लिए पहले तो आप ये देख लो कि यहाँ पे एक कॉलम है जिसमें हमने डिपॉजिट्स लिखे हैं, फिर दूसरा कॉलम है जिसमें हमने 20% LRR, मतलब हमने LRR की वैल्यू कंसिडर की है 20%. ओके, सो इफ आई एम डिपॉजिटिंग 100 rupees, बैंक इज लाइबल टू सेव और कीप रिजर्व्स ऑफ 20 rupees एंड 80 rupees इट कैन गिव इन लोन. इसका ये मतलब 20% का क्या मतलब है? 20% पैसा बैंक को अपने पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व. ओके, देन लास्ट कॉलम इज लोन, कि भाई इसमें लोन कितना दिया है. तो आप देखो सबसे पहले कैसे स्टार्ट होता है. बैंक में एक बंदा आया, उस बंदे ने 1000 rupees का डिपॉजिट बैंक में कर दिया. ओके, बिकॉज हमारा अजम्पशन है कि ऑल ट्रांजेक्शन विल बी डन थ्रू द बैंक. ओके, एंड बैंक में उसने 1000 rupees डिपॉजिट कर दिया. अब इस 1000 rupees में, यहां देखो, इस 1000 rupees में से बैंक सारा का सारा अमाउंट लोन पे दे सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसको कुछ LRR भी रखना है. कुछ LRR भी रखना है और बाकी का अमाउंट को लोन पे दे सकता. अब हमारा LRR कितना है? हमारा LRR हमने 20% माना है. जब हमने LRR को 20% माना तो 1000 में से 200 rupees रिजर्व और बाकी का 800 rupees लोन. स्वच्छ भारत वाली गाड़ी आई, एडजस्ट एंटी बाय डस्टबिन. ओके, आगे भाई स्वच्छता का कर्तव्य निभा. ओके, सो 1000 rupees ये हमारा इनिशियल डिपॉजिट था. मान लो भोलू भाई आए थे पैसा जमा करने के लिए, तो भोलू भाई ने पैसा जमा कर दिया, 800 rupees का लोन दिया और 200 rupees रिजर्व में रखा. अब देखो क्या है कि ये जो 800 rupees का लोन दिया, मैंने आपसे अभी कहा था कि वो दिया तो है पर दिया नहीं. दिया तो है पर दिया नहीं है का मतलब है कि जो लोन सैंक्शन किया गया है उसका एक लोन अकाउंट बनाया गया है बैंक पर, और बैंक ने अपने एक अकाउंट से 800 rupees को निकाल के दूसरे अकाउंट में दिखा दिया. सो इट्स नॉट दैट इट इज गिवन टू समबडी, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट ऑफ द बैंक टू अनदर अकाउंट ऑफ द बैंक. एंड सिंस ऑल द बैंक्स आर वन, सभी बैंक सिंगल यूनिट है, तो ऐसे में वो किसी भी बैंक में हो कोई फर्क नहीं पड़ता. 800 rupees वापस से कहां आ गए? बैंक. तो ये जो 800 rupees थे, दीज आर अगेन डिपॉजिटेड इन द बैंक इन अनदर अकाउंट. वही तो मैंने क्या कहा, दिया तो पर दिया नहीं. ओके, इस 800 में से अब फिर से 20% का LRR कटेगा.
फिर से 20% का एलआर कटेगा 160 रुपीज, और 640 रुपीज का फिर से लोन दिया जाएगा, फिर 640 रुपीज का लोन दिया जाएगा, और ये लोन दिया जाएगा पर दिया नहीं जाएगा, दिया तो जाएगा पर दिया नहीं जाएगा, तो ये 640 वापस से एक और नए अकाउंट में जमा कर लेंगे क्योंकि ऑल ट्रांजैक्शंस आर गोइंग थ्रू बैंक। फिर 20% यहां पर हुआ, फिर ये चलता रहे। अब देखो इसको टेबल में कैसे लिखे, 1000 रुपीज डिपॉजिट हुए, उसमें से 20% एलआरआर में चला गया, यानी कि 200 रुपीज आपने रिजर्व कर लिया, आपने मतलब बैंक ने रिजर्व किया, और 800 रुपीज का लोन दिया। ये जो 800 का लोन दिया वो दिया तो पर दिया नहीं, तो 800 का नया अकाउंट फिर से खुल गया यहां पर, और जब ये नया अकाउंट खुला इन राउंड वन इट इज 800 डिपॉजिटेड अगेन इन द बैंक। फिर ये 800 डिपॉजिट हुआ, ये 20% 160 रुपीज फिर से रिजर्व में रखा गया, और फिर 640 रुपीज वापस से लोन दिया गया, लेकिन दिया तो गया पर दिया नहीं, तो 640 वापस से एक और नए अकाउंट में खुल गए बिकॉज ऑल ट्रांजेक्शंस आर डन थ्रू द बैंक, और यही हमारा अजम्पशन। सो ये किया गया 128 रुपीज फिर से 640 का 20%, ओके, ये 1000 का 20%, 800 का 20%, 640 का 20%, ये माइनस करने के बाद बचे 512। अब 512 का क्या करेंगे, ये वापस से लोन दिया जाएगा, ये यहां आ जाएगा राउंड थ्री, मतलब ये चलता रहेगा, ये जो फिर इसका 20% ये चलता रहेगा। अब ये चलते चलते कहां तक रुकना है, ये तो प्रोसेस है ना, देखो जब तक ये जीरो नहीं हो जाता, जब तक डिपॉजिट खत्म नहीं हो जाता फाइनली, तब तक तो ये चलता रहेगा। अब ये चलाने के लिए हमको या तो पूरा चेन बना के देखो मैथमेटिकली कैलकुलेट करो, या फिर मनी मल्टीप्लायर का यूज करो। तो मनी मल्टीप्लायर का यूज कैसे करेंगे इसके लिए, बड़ा सिंपल है, मनी मल्टीप्लायर का यूज कैसे करेंगे भाई, इसके लिए देखिए जरा वीडियो चल रहा है क्या, हाँ चल रहा है, ओके। मनी मल्टीप्लायर का यूज कैसे करेंगे, 1/LRR है तो हमको पता है कि 1/LRR, LRR क्या माना हमने, LRR 20% माना, तो 1/20 हो गया, नहीं 20% LRR परसेंट में है, तो 20% को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/20/100 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/20, ये 100 नीचे से ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2 × 2 = 5, सो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो गई, इज इक्वल टू, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हो गई 5 1/20%, यदि 20% कंसिडर किया है तो 1/20%, यदि 10% होता तो क्या होता, इफ 10% वन अपॉन टेन अपॉन हंड्रेड, आलसी नहीं करना लिखने में, 100 upon 10 = 10, यहां पे mm क्या हो गया, 10% पे 10 हो गया। अब देख लो अभी हमारा 20% है तो 5 है, तो इसकी क्या करेंगे, 1000 × 5, इधर नीचे कर दो 5 तो 200, यहां का पहला टर्म 200 है, इंटू 5 यहां पे कर दो 1000, 800 × 5 यहां पे कर दो 4000। अब हमको पता चल गया कि ये फाइनली कहां जाके रुकेगा, टोटल क्या होगा। सो देखो कितना रिजर्व कर लिया बैंक ने, 1000 रुपीज का रिजर्व कर लिया, यदि 20% LRR है तो, मतलब जो डिपॉजिट था ना इनिशियली, किसी ने भी जो 1000 डिपॉजिट किया होगा उतना तो रिजर्व है, मतलब जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तब वापस दे दिया जाएगा 1000 रुपीज। देन बाकी का 4000 लोन क्रिएट हो गया, तो जो 1000 रुपीज आपने बैंक के पास दिया उससे बैंक ने 4000 रुपीज का मार्केट में लोन क्रिएट कर दिया,
और 1000 रुपीज अपने पास रिजर्व में भी रखी है, तो ये 1000 से 5000 हो गया सीधा। दिस इज व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर। अब आप सोचो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है समझना कि क्यों हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करें, क्योंकि जब हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, वो पैसा कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। बहुत सारे लोग लोन ले लेंगे, जो लोग लोन लेंगे वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करेंगे, और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करेंगे जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, ये सारी प्रोसेस है। कई सारे लोग कई बार बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको तो पैसा चाहिए, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए क्रेडिट? क्रेडिट उसको नहीं चाहिए जो काम नहीं करना चाहता, जो काम नहीं करना चाहता उसको पैसा चाहिए कि मुझे अभी पैसा दे दो, मैं अभी खा लूंगा, पैसा खत्म हो जाएगा। जो क्रेडिट चाहता है या जो क्रेडिट के लिए ओके बोलेगा, उस बंदे को पता है कि मुझे काम करना है। सब होता है ना, कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन मार्केट से पैसा उठाते हैं, वो पैसा उठा रहे हैं क्रेडिट पे ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो काम करना चाहते हैं। वो काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और वापस से देंगे। और जो बंदा बोलेगा कि नहीं हमको तो कैश दो, तो इसका मतलब ये कि भाई वो तो अभी बस खा के खत्म करना चाहता है, पता नहीं कुछ करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, मैं आपको मशीन दे सकता हूं, मशीन ले लो और आप काम शुरू करो और इससे पैसा कमाओ, खुद भी कमाओ, मशीन के पैसे निकाल लेना। तो आप मना क्यों कर रहे हो? आप मना इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप काम नहीं करना चाहते। यदि आप काम करना चाहोगे तो फिर आपको क्रेडिट चलेगा, क्या प्रॉब्लम? सो ये जो लोन है, सपोज फॉर एग्जाम्पल टुमारो इफ आई फील कि मुझे एक फैक्ट्री डालनी चाहिए, आई गो टू द बैंक एंड आई से कि प्लीज गिव मी द मनी, आई वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री। बैंक सेज ओके वी वोंट गिव यू द मनी, बट यू डिसाइड कि कहां से आपको मशीन लेनी है एंड वॉट एवर द कंस्ट्रक्शन यू हैव टू डू, वी विल इशू द फंड्स फॉर दैट। मतलब हम आपको मशीन वाले को हम पैसा दे देंगे, आप उसकी टेंशन ना लो। तो ये मशीन लेने में मुझे क्या प्रॉब्लम है? फिर मैं अड़ा रहूंगा कि नहीं मुझे तो पैसा ही चाहिए, मुझे तो पैसा ही चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? वो दे के दे रहा ना मशीन, फैक्ट्री शुरू करो, फैक्ट्री से जो पैसा आएगा आप मशीन के पैसे चुका देना। ये वाला माइंडसेट विल स्टार्ट गिविंग अ बूस्ट टू द जीडीपी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा उस, एंड व्हेन द जीडीपी राइजेस बाकी देशों का अट्रैक्शन इस तरफ हो जाता। व्हाई चाइना इज लीडिंग? चाइना इज लीडिंग क्योंकि उसका जीडीपी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली काफी टाइम तक डबल फिगर्स में रहा, इसीलिए बाकी देशों को उसकी तरफ ऐसा लगता है कि वहां पे प्रोडक्शन करना चाहिए। तो यदि हमको अपना जीडीपी हम बढ़ाएंगे तो बाकी के जो भी फॉरेन कंट्रीज है वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे हमारे पास, इट्स सिंपल। इसीलिए पैसा उनको देना जरूरी। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट है, यदि एलआरआर बढ़ गया, इफ एलआरआर 20% से 10% हुआ है तो कम हो गया। देखो 20% से 10% हुआ तो मल्टीप्लायर बढ़ गया, ठीक है? ये तो 20% के हिसाब से इतना हुआ, 10% के हिसाब से चलते तो क्या होगा, 10 टाइम्स यानी कि 10,000 यानी कि 2,000 यानी कि 8,000। मतलब यदि मैं एलआरआर को रिड्यूस कर रहा हूं तो लोन का अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब मनी क्रिएशन ज्यादा हो रहा है। और एलआरआर को यदि बढ़ाऊंगा, एलआरआर को मान लो 20% से मैंने कर दिया से वॉट एवर से 50% कर दिया, 50% में क्या होगा देखो, 50% में 1/50% इज इक्वल टू 1/50/100, लिखने में आलसी नहीं, 100 इज इक्वल टू 100/50 इज इक्वल टू 2। ये यहां पे 2 times 50 का 2 times, तो 1000 का 2 times, 2000, 200 का 2 times, 400, 800 का 2 times, 60। मतलब यदि हमने एलआरआर को बढ़ाया तो मनी क्रिएशन कम हो जाएगा, और एलआरआर को कम किया तो मनी क्रिएशन ज्यादा होगा, विच इज वेरी लॉजिकल। यदि बैंक रिजर्व ज्यादा रखेगा तो मार्केट में कम दे पाएगा, यदि रिजर्व कम रखेगा तो मार्केट में ज्यादा दे पाएगा, ठीक। तो यही है पूरा प्रोसेस मनी मल्टीप्लायर का, और इसको स्टेप बाय स्टेप आप जब थोड़ा सा थ्योरी में कन्वर्ट कर देंगे तो दैट विल बिकम योर आंसर टू से कि भाई प्रोसेस एंड वर्किंग ऑफ द मनी मल्टीप्लायर। ओके, तो ये मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन का पूरा टॉपिक था। इसमें यदि कुछ डाउट या क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। ये जरूर याद रखें कि एलआरआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी मल्टीप्लायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
बढ़ाओगे तो कम होगा, कम करोगे तो बढ़ेगा। ओके ठीक, तो ये था आपका मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।